नहीं, रॉन्ग साइड किसकी है? रॉन्ग साइड तो मेरी है, वो भाई, एक आगे गाड़ी भी जा रही है। आपका कोई इंडिकेटर है? रिकॉर्ड हुआ है सारा भाई। बहुत देर से इतनी हॉर्न दे रहा हूं। हॉर्न कहां दिया भाई? एक हॉर्न नहीं दिया आपने भाई मोड़ पे। वो आगे भी गाड़ी, बताओ कितनी हो सकती स्पीड में? पूरा ऐसे आप ऐसे थे, गाड़ियां सारी लेफ्ट थी, ये एकदम से बाइक पे अच्छी अपने होम में आ रहा था। ओ भाई 200 रुपए थोड़ी ना होगा सर, कितने का आपको पता केला? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर्स। तो आज के इस व्लॉग में आप जैसे कि देख रहे हैं कि B3 है और मैं B4 पे हूँ। और गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत ही बड़ा मतलब खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है इस भाई का, जो कि एक गाड़ी वाला रॉन्ग साइड में चला होता है। आप देखेंगे आगे थोड़ी देर में। बस ये देखिए गाइस, ये चले हम, ज्यादा भी स्पीड नहीं थी, नॉर्मल स्पीड थी, फिर भी गाइस आप टक्कर देखिए उसकी इस मोड़ के बाद, बहुत ही खतरनाक कोलिजन, इम्पैक्टफुल। देखिए इम्पैक्ट कितना होता है इसका, ये देखिए। ये देश रोड सेफ्टी के नाम पे शून्य, यहाँ पे लाइसेंस असाइन थोड़े ना होते हैं, बटते हैं। नहीं, रॉन्ग साइड किसकी है? रॉन्ग साइड तो मेरी है, वो भाई, एक आगे गाड़ी भी जा रही है। आपका कोई इंडिकेटर है? रिकॉर्ड हुआ है सारा भाई। बहुत देर से इतनी हॉर्न दे रहा हूं। हॉर्न कहां दिया भाई? एक हॉर्न नहीं दिया आपने भाई मोड़ पे। वो आगे भी गाड़ी जा रही है आगे। भाई ये तो रॉन्ग साइड है ना? मैं रॉन्ग साइड मान रहा हूं। तो भाई मान रहे हो ना, तो इसका कर दो जो है भाई। बिल्कुल रॉन्ग साइड है वो, आपके कोई इंडिकेटर भी नहीं जग रहे हैं, हमारे को पता कहां से लगेगा यार। नहीं नहीं भाई गलत है, करो पीछे गाड़ी, करो भाई इसको सीधी करो। बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे हो भैया। भाई रिकॉर्ड है, स्पीड ऊपर नहीं है, रिकॉर्ड कर रखा है मैंने। स्पीड कर लेगा यार भाई, यहाँ से आता कौन है यार? आगे जाके डिवाइडर है, वहां से ले लो आप अंदर को, एक बहुत ही रॉन्ग साइड है भाई। इसको गाड़ी पीछे कर रहे हो, इसको बाइक सीधा कर देते हैं, उसके बाद कर लेते हैं बात। भाई लगी तो नहीं आपको यार? आपका करा के जाऊंगा मैं सारा कुछ। हद है यार, बिल्कुल ही रॉन्ग साइड, करो जो सीधा। एक मिनट उधर से उठाओ, वहां लगा देते हैं इसको, आप मेरी ले आना इधर। रॉन्ग साइड है। तो ये हुई योद्धा की एंट्री। भाई पूछ रहा था किसी को तोड़ना फोड़ना तो बताओ, योद्धा टैंटन। गाइस मैं यहाँ पे बाइक साइड में कर देता हूँ, इस वजह से कि ट्रैफिक ना रुके। नहीं नहीं भाई, उसका वो चला रहा था, मैं तो उठा के लाया हूँ इसको। भाई टेंशन मत लेना, सारा करा के जाएंगे आपका यार। कितना बनता है एस्टिमेट सब कुछ बता दो इसको, ये कर देने दो, पुलिस बुला लेते हैं, और क्या होता भाई। देखो ऐसी बात है, पुलिस केस तो करवाने से हम भी नहीं रहते, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं पुलिस का ही आदमी हूं। अच्छा पुलिस कहीं है, तो आपको अच्छे से पता होगा क्या क्लेम है क्या नहीं है। सरकारी आदमी हूं बच्चे, मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। आप ये बहुत स्पीड में आ रहा था सर, ये रिकॉर्ड देखो। आप बताओ कितनी हो सकती है स्पीड में? पूरा ऐसे आप ऐसे थे। नहीं नहीं मानता, पैसा करो इसका, जितना भी लमसम बनता है इसको पे करो। और मेरा भाई आप तो गलती हो, हम क्यों पे करें आपका? ओ नहीं नहीं भाई, एक मिनट, रॉन्ग कौन है आप मेरे को बताओ ना। इसका सिर्फ ये बम्पर ही है, और वैसे भी लाइट भी नहीं है। सर मेरी बात सुनो, गलती आपकी है, गलती नहीं मान रहे आप। ठीक है आगे भी गाड़ी जा रही थी, उससे पहले भी गाड़ी आगे जा रही थी। वो चलो वो तो बच गया, अब आप भी यहाँ से ले लो, आप यहाँ से वो देखो वो कट है, यहाँ से तो बनते नहीं मोड़ पे आप रहोगे यार। इसका ये टेढ़ा हुआ है सस्पेंशन, सिर्फ विंग लाइट गिरा है और हैंडल टेढ़ा हुआ है इसका, एक कौन सेट तो लाइट भी गई, तो पूरा मड़गाड़ गया भाई। अब मेरी बात देखो, अगर पुलिस बुला लेते हैं ना, पुलिस अगर बुला लेते हैं तो भी आपका ही, आपको ही देना पड़ेगा क्लेम। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचो, दिक्कत हमारे को भी नहीं है सर। अब भाई से पूछो, भाई की बाइक है, ये लग रहा चोट आप इसके साथ? नहीं भाई मैं तो रैंडम हूँ। अच्छा, कहाँ जाना?
नहीं भाई मैं तो लोकल ही जाता हूँ, संडे राइड में निकलता हूँ मैं। अब भाई भी जाए चंडीगढ़ से आया, मेरे आगे आगे चला भैया। आप एस्टीमेट आपको रोड होती ना तो मैं ब्रेक मार देता, मोड में दिखता नहीं। मोड ऐसे घुमा रखा तूने, नहीं दिखा, मान गया मैं, ऐसे कभी करता नहीं भैया। पता है भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, बात खत्म हो जाएगी यहीं, जैसे भाई बोलेंगे वैसे। ये ज्यादा जरूरी होता है हमेशा देखना कि आप सेफ है भाई। और सर एक बात है, दिल्ली गुड़गांव वाला नंबर है सर आपका, फिर भी आपको ये इतना नहीं पता कि भाई लेन चलो, ये आगे जा रही थी, मैं क्या चल इसके पीछे पीछे चलते जा रही थी, आगे गाड़ी हमारे को मिली नहीं है, आगे कोई मिली हमारे को रॉन्ग साइड। गाड़ी कभी भी चलाओ ना इस साइड में चलाते हैं, रॉन्ग आप रॉन्ग के सर, रॉन्ग के भी रॉन्ग हो आप तो बिल्कुल ही, यहाँ तो इस साइड से ले लो पता दिख जाता। अब ऐसा नहीं चलानी भी इस तरीके से है कि इस साइड चलाए बंदा, मेन उधर नहीं चलाता भाई। बहुत जोर सा कोलिजन तो जोर सा हुआ था, पर आप सेफ आपके लग, शुगर है चश्मा नहीं टूटा भाई का। हाँ बड़ी जबरदस्त ब्रेक मारी है हमारी लोडने ने, तभी बच गया वो, इंपैक्ट तो जोरदार हुआ है। जरूरी है कि आदमी इंसान सेफ रहना चाहिए, बिल्कुल भी गाड़ी तो दूर से आ जाती है, गाड़ी में फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट दो है। ये आगे का ही डैमेज है सिर्फ आपका है, देख लो भाई जैसे भी करना है यार। मैं तो हाँ बच गया भाई, यही बहुत है। रॉन्ग साइड बहुत चलते हैं दिल्ली में, तो बहुत चलते हैं बंदे रॉन्ग साइड, दिल्ली में तो पता नहीं बंदा कैसे कैसे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात सर, ये हाईवे चलता है रनिंग में है, गाड़ियां सारी लेफ्ट थी, ये एकदम से बाइक पे अच्छी अपने फॉर्म में आ रहा था। टायर इसका हैंडल टेटा है, लगी तो हैंडल टेटा करेगा ठीक। अब ये देखो बाकी सब छड्डो पर, बांग्लादेश तो आया, तेनू इंडिया की महंगाई का नहीं पता। ओ भाई 200 रुपए थोड़ी ना होगा सर, कितने का आपको पता केला? ओ नहीं नहीं भाई 500-1000 रुपए का काम ही नहीं है। खर्चे की बात करो ना, बात खत्म है। ओ नहीं नहीं भैया 500 से कुछ भी नहीं बने यार, 500 ये नहीं है इसका, 500 का तो दिखा देता हूँ ना भी आपको इसका प्राइस, कोई बात नहीं सारा प्राइस। वुमेन कभी भी अगर रॉन्ग साइड भी चलाते हैं ना गाड़ी तो इस तरफ चलाते हैं, उधर नहीं चलाते लेफ्ट हैंड, ठीक है भैया। ये तो मिनिमम आपको आप भाई बताओ ना अमाउंट यार, यार देख तो ले यार क्या कर रहे हैं, 500-700 वाला काम ही नहीं है। ओ नहीं नहीं भैया ये 500-700 खर्चा बहुत है, 2000 से ऊपर का खर्चा है। नहीं नहीं भैया ऐसा करो आप एजेंसी पता करा लो जैसी, नहीं नहीं इतना पता कराने की, तो फिर मैं बता रहा हूँ ना कली विंडशील्ड ही सर 800 रुपये की तो विंडशील्ड होगी इसकी, ये ले। ओ नहीं भैया नहीं, ओ नहीं नहीं यार, ओ नहीं यार, ओ नहीं यार, इतने में तो आप ऐसे ही ले लो यार, यार आ तो मत सो, ओ भैया ओ ले यार, डिपार्टमेंट का अभी मैंने सेट किया आपके सामने पूरा ऊपर रखा था, कोई बात नहीं अकेला यार, इन दोनों को ही मिला दो ना अकेले, ये गया 1000 से 1500 के बीच का, 1000 रुपये ले ले सर, मेरे ये बहुत गलत कर रहा है आप, नहीं नहीं भैया 1000 रुपये आपने दिल्ली समझा, 1000 रुपये में जुड़ जाएगा यार ये, अरे ये एजेंसी यहीं है ऊपर, आपको पता होगा भाई मिनिमम भाई 3000 लगेगा इसका सारा का, एजेंसी में जाओगे तो एजेंसी में आप पता करा लो। नहीं नहीं 1000 बहुत है इससे, ओ भैया 1000 रुपये का तो जस्ट लेबर लग जाएगी इसको, कोई बात नहीं, ओ नहीं नहीं यार ये नहीं बनेगा, मेरे सारे सर लगना है, ओ नहीं है रोड पे चल रहा इतना कि मेरे तो ना सर लगे भैया, अगर आप रोड के मेरी बात सुना, अगर आप रोड के उस साइड भी होते ना नुकसान तो मेरा ही हो रहा है। ओ यार बहुत नुकसान है, हमारे को बाइक्स वाले का पता है कितना नुकसान होता है यार, बहुत है बच्चे 1000 रुपये तो कुछ नहीं नहीं यार ऐसे दौड़ना होता है भैया, 1000 रुपये में क्या कॉम्प्रोमाइज, आप बताओ ना कितना करना है भाई, तीन आप बताओ उस हिसाब से बता दो चलो, 1000 तो ठीक है मान ले यार,
ये दिखा देता हूं मैं ऑनलाइन आप हो गया मेरे बच्चे। ओ नहीं 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 भैया चला के भी देखा बेटे मैं तो फिर भी यही खड़ा हूँ अगर आप सही होते तो मैं आपके साथ पूरा होता भाई। मैं तभी तो खड़ा हूँ, मैंने एक पैसे नहीं देना था आपको। अब जितना बोल रहा है बच्चा यार वो भी कौन सा कमा रहा है, 1000 रुपया नहीं बनेगा सर भाई, 2 और दे दो बात खत्म कर दो, मैं अभी निकल जाऊंगा। देखो मैं अभी लेट हो रहा हूँ सबके लिए, फिर मेरे लिए भी भाई मेरे को तो फिर भी सिंपथी है, बच्चा ही नीचे से मेरे गाड़ी के नीचे आने को रहा था। किसी का भी बच्चा हो भाई लॉस तो लॉस ही होता है यार, लॉस की बात नहीं इसकी लाइफ का लॉस। हाँ लाइफ की बात कर रहा हूँ भाई मैं तो, ये तो बात ही नहीं। ठीक है हैंडल तो ठीक है भाई इसका, टी वाली बात नहीं है। आपका नंबर बताओ मोबाइल नंबर। भैया फिर भी गलती आपकी भी तो मानो, मतलब हमारी गलती है मतलब सारी। इसमें क्या हो गया ऐसा देख के रॉन्ग साइड, ठीक है चल रहे थे रॉन्ग साइड, अब वैसे कभी नहीं जाते हम लोग, हम कोई आज से गाड़ी नहीं चला रहे। वो मैंने आपको दिखाई नहीं, अंदर चोट लग रखी है, अभी पैंट उतार के दिखा दूं मैं तो। क्या बोला तूने? वो तो मैंने आपको दिखाई यार भैया 3000 तो हम वैसे ही काट के बोल रहे थे, ये तो वैसे ही काट के बोल रहे 3000। मंडी थोड़ना चलिए यार, ये 3000 नहीं तो 2000 दे दिए, ऐसा करो आप ये भी रख लो फिर। इतना शराफत का फायदा मत उठाओ सर, मेरे को पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैं तो फिर भी बहुत शरीफ आदमी हूँ, तब से रुका हूं, अभी तक भी इसके लिए रुका हूं। तो सच में गाइस ये गाड़ी वाला बहुत ही शरीफ था, पूरा कोऑपरेटिव बंदा था, कोई इसने फालतू बहस नहीं करी हमारे साथ इस बच्चे के लिए, क्योंकि इसकी शक्ल मुझे बहुत शरीफ लग रही है। सर शरीफ ही बंदे हैं सर, हम केड़ा गुंडे हैं यार। नहीं 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 सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए ना। कोई थैंक यू कोई बात नहीं यार। तो गाइस ये थे हमारे विक्की भाई जिनका एक्सीडेंट हुआ था, अभी रिफंड दिलवाया थोड़ा बहुत जितना भी हो सके। ओके ब्रो। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा जाता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइज एक बात मेरे जरूर बताइए कि मैंने ठीक किया कि गलत किया इस बंदे के साथ, और जब पूरी जो बाइकर्स कम्युनिटी है हमारी फैमिली की तरह है गाइज, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, राइड सेफ राइड हार्ड, टेक केयर।